दोस्तों, आप लोगों के पास अगर TVS की बाइक है तो अक्सर हमने देखा है कि TVS की बाइक की जो सेंसर होता है वो सेंसर पीछे से फट जाता है। सेंसर आखिर फटता क्यों है और सेंसर फटने से हम कैसे बचाएं, और अगर फट भी जाता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेंसर को चेंज करना पड़ेगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा, वो आज की स्टूडियो में आपको बताने वाले हैं। मैं हूँ कासिम मुतो झारखंड गोड्डा रेंज से। अगर आप भी मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और इसके साथ ही कासिम मोटर फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। ये हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सेंसर अगर फट जाता है तो उसको सही कैसे किया जा सकता है, और आखिर सेंसर फटता क्यों है और उसको कैसे बचा सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये TVS की विक्टर बाइक है। आपके पास चाहे TVS की विक्टर बाइक हो या फिर स्टार सिटी बाइक हो या फिर TVS की स्पोर्ट बाइक हो, जो भी बाइक है, अक्सर हमने देखा है, ज़्यादातर जो देखा है सेंसर फटने की शिकायत जो होती है वो TVS की बाइक में होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं नज़दीक कैमरा से। ये गाड़ी अभी ज़्यादा दिन तक चली नहीं है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले इसका किलोमीटर, उसके बाद मैं आपको सेंसर दिखाऊंगा। ये देखिए, इसका जो किलोमीटर है 14692 किलोमीटर, मात्र 14,000 गाड़ी चली है। और इसका सेंसर मैं आपको दिखाता हूँ कि सेंसर में इन्होंने कितना ज़्यादा एमसील लगा के रखा है। जहाँ जहाँ पे ये देख रहे हैं सीमेंट जैसा, ये सब एमसील है। एमसील के जरिए से यहाँ पे जो सुराख हुआ था इसको भरा गया है, ढका गया है। अगर इसे मैं उखाड़ दूंगा, हटा दूंगा, तो यहाँ से फट 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 जैसा आवाज़ करेगा, बुड़बुड़ा जैसी आवाज़ आती है। तो इस तरीके से बहुत जगह इसमें दाग बना हुआ है, और यहाँ से जो है, यानी कि पीछे वाला जो पार्ट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा जो है यानी कि गल चुका है, ख़त्म हो चुका है। हालांकि अभी तक ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, इसको किसी तरीके से रिपेयर करके अभी तक ये चला रहे हैं। लेकिन ख़ास चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर सेंसर इस गाड़ी का फटता क्यों है, इस तरह की गाड़ियों का सेंसर इतना जल्दी ख़राब क्यों रहता है। हम अगर हीरो होंडा की बाइक देखेंगे या फिर होंडा की बाइक देखेंगे तो इसका ये शिकायत कभी भी नहीं आती है सेंसर फटने को लेकर। और साथ में बजाज की बाइक अगर देखेंगे तो बजाज में भी शिकायत है, और साथ में TVS की बाइक में, TVS और बजाज दोनों बाइक का सेंसर जो है बहुत ही जल्दी फट जाता है। तो ये देखिए, इधर भी लगा हुआ है, नीचे जो देख रहे हैं ये कलर, ये जंग लगा हुआ, ये सेंसर जो है मतलब अंदर से ख़त्म हो गया, गल गया है, बस इसमें सुराख होना बाकी है। यहाँ पे बीच में सुराख है, तो इसका कहना है कि मैं सेंसर को चेंज करूँगा। अब देखिए, गाड़ी चली है मात्र 14,000 किलोमीटर, और अभी ही ये सेंसर अगर चेंज करेंगे तो इस तरीके से बार बार कितना सेंसर चेंज करते रहेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि जब तक आप अगर इस तरीके से चला रहे हो तो चलाओ, उसके बाद अगर ज़्यादा फट जाता है तो फिर मैं इसमें कोई पत्ती वगैरह एक गैस वेल्डिंग की मदद से इसको सही करवा दूँगा। तो क्योंकि सेंसर का जो दाम होता है काफ़ी हाई होता है, 3500 से प्लस ही दाम होता है। किसी बाइक का जो सेंसर होता है 4500 से प्लस होता है। अब इसका कितना प्राइस है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो शोरूम में जाकर पता लगा सकते हैं। अब देखिए, सेंसर जो फटता है, अक्सर हमने जो देखा है TVS की बाइक और बजाज की बाइक, आपको पता होगा कि माइलेज के लिए काफ़ी आगे रहता है हमेशा। हर बाइक से, हर कंपनी से माइलेज ज़्यादा मिलती है TVS बाइक में और बजाज की बाइक में। ये TVS की विक्टर जो बाइक है ये 110 CC है, ठीक है। 110 CC होते हुए ये कंपनी रिकमेंड करती है कि 72 किलोमीटर प्रति किलोमीटर इसके हिसाब से गाड़ी माइलेज देगी। तो कंपनी जो कहता है वो सही है, क्योंकि मैंने जो देखा खुद से भी 65+ माइलेज देता है इस तरह की बाइक। अगर इसी में अगर हीरो की बात करेंगे या फिर HF डिलक्स बात करेंगे तो 55 से लेकर 60 तक ज़्यादा मिलता है। लेकिन वो अगर आप TVS देखेंगे या फिर बजाज की बाइक देखेंगे तो आपको 65 से लेकर 70 तक माइलेज मिल जाएगी। 110 CC से लेकर 125 CC भी अगर आप लेते हैं तो माइलेज आपको 70 मिल जाती है। तो सेम यहीं पर दिक्कत आती है कि माइलेज जो हमें मिल रहा है इस गाड़ी में, उसी की वजह से ये सेंसर फटता है। वो इसलिए फटता है कि माइलेज ज़्यादा मिलने की वजह से इसमें क्या होता है, पेट्रोल का मात्रा जो है हेड पे बहुत कम आता है, और वो क्या करता है, सेंसर को गीला ही रख पाता है थोड़ी बहुत, और वो बिल्कुल सूखा, यानी कि सूखा इसका एग्जॉस्ट निकलने की वजह से सेंसर जो है वो फट जाता है। वहाँ से जितना भी हार्ड होता है, गर्म होता है, उसके ज़रिए से ये फट जाती है। तो मैंने जो दोस्तों यही है कि गाड़ी में जो माइलेज मिलती है TVS की बाइक में और फिर बजाज की बाइक में, तो माइलेज ज़्यादा मिलने की वजह से ही सेंसर जो है फट जाता है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं, इतना जल्दी सेंसर अगर फट जाता है तो मैं इसको कैसे बचा सकता हूँ, लाइफ टाइम के लिए आप इस सेंसर को बचा सकते हैं, इतना जल्दी नहीं फटेगी, तो आपको क्या करना है, बीच बीच में जब भी गाड़ी आपकी 10,000 किलोमीटर चल जाती है या फिर कम से कम 8,000 किलोमीटर चल जाती है, तो एक बार आप क्या करेंगे, यहाँ से पेट्रोल का ढक्कन खोलना है, इसमें 1 लीटर पेट्रोल डालना है। 1 लीटर के पेट्रोल के साथ आपको मोबिल का जो डिब्बा होता है उसका जो ढक्कन होगी वो एक ढक्कन भर के आपको मोबिल डालना है। मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरीके से हम 2 स्ट्रोक बाइक में हम मोबिल का इस्तेमाल करते थे पेट्रोल के साथ, उसी तरीके से इसमें भी आपको यही करना है।
ये मोबिलर जब हम इसके अंदर डालेंगे, चाहे मोबिलर आप डाल सकते हैं या फिर टूटी ऑयल डाल सकते हैं जो टैंकी पर मिलता है, जो टू स्ट्रोक बाइक में लगती थी। तो मैं इसमें मोबिलर डाल रहा हूँ, इसमें अभी पेट्रोल कम है, लेकिन आपको क्या करना, एक लीटर जब पेट्रोल डालेंगे तो उनमें से आपको एक ढक्कन मोबिलर आपको इस तरीके से डाल देना है इसमें, ठीक है। अब मैं इसका फ़ायदा बताता हूँ, इसमें इनमें से कई सारे फ़ायदे हैं, तीन फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ ये मोबिलर डालने का, ठीक है। ये मोबिलर डालने का तीन फ़ायदा है, डालने के बाद आपको टंकी हिला देना है या फिर गाड़ी जब चलाएंगे तो खुद ब खुद इसके अंदर जो पेट्रोल होगा, पेट्रोल के साथ जब मोबिलर मिक्स हो जाएगी, ऑयल जब मिक्स हो जाएगी, तो वो पेट्रोल और मोबिलर मिक्स होने की वजह से कुछ चिकनाहट पैदा होती है और उसके जरिए से पूरे टंकी में भीग जाता है। अब इसमें से तीन फायदे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके जरिए से एक तो आपके जो टंकी है, गाड़ी का टंकी, वो गलने से बचेगा। टंकी भी बहुत सारे बाइक का देखते होंगे कि ये यहाँ से साइड से जो है वो लीक कर जाता है, तो ये टंकी जो है उन्हीं की वजह से लीक है। बहुत सारे जो बाइक का टंकी होता है वो कमज़ोर होता है या फिर पानी वगैरह जाता है तो उनके वजह से जल्दी गल जाता है। तो इससे क्या होगा कि टंकी भी बचेगी और साथ में इस मोबिलर के जरिए से यहाँ पे जो पेट्रोल के साथ जो मोबिलर का अंत से यहाँ पे हेड पे आता है तो इसके अंदर जो बल्ब जो जलता हीट होता है उसके जरिए से बल्ब की लाइफ भी बढ़ेगी और साथ में कंप्रेसर की समस्या दूर हो जाएगी। इसके जरिए से कंप्रेसर कभी भी लीक नहीं करेगी और इसके साथ ही जब धुआं निकलेगा पेट्रोल के साथ, जाहिर सी बात है जब मैं मोबिलर डालूंगा तो गाड़ी स्टार्ट जब रहेगी तो हल्का धुआं मारेगा, तो धुआं मारने की वजह से जो इसके साथ एग्जॉस्ट निकलता है थोड़ा बहुत उसके साथ जो गीलापन होगा तो वो सलेंसर के जरिए से जब निकलेगा तो ये सलेंसर क्या होगा हल्का भींगेगा। भींगने की वजह से क्या होता है कि इसमें और भी जान आती है और ये जल्दी से गलने से बचेगा। तो इस तरीके से तीन फायदे होते हैं मोबिलर डालने के। बहुत सारे भाई आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे मैकेनिक कहते हैं कि टंकी में आप मोबिलर डालें इसके जरिए से और टंकी जो है गलने से बचता है, तो सिर्फ टंकी गलने से ही नहीं मोबिलर डालने से और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कंप्रेसर की समस्या दूर हो जाएगी, सलेंसर भी गलने से बचेगा, सलेंसर जल्दी से लीक नहीं करेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि सलेंसर आखिर ख़राब जल्दी क्यों होता है इस तरह बाइक का और मोबिलर डालने का क्या फ़ायदा है, क्या रीज़न होता है टंकी मोबिलर डाल हम लोग क्यों डालते हैं आखिर। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल आपके मन में होगा कि मोबिलर डालने की वजह से क्या इंजन में कोई नुकसान हो सकता है आगे के लिए, जैसे कि बराबर धुआं मारती रहेगी, रिंग उसका ख़राब हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी मिस्त्री से आप पूछ लें पहले और उसके बाद ये काम करें, मैं आपसे यही कहूँगा। बाकी हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है यही है, मैं खुद से ये चीज़ें सही मानता हूँ। आप किसी मिस्त्री से पूछ लें कि ये चीज़ें सही है या नहीं है, बाकी अगर हमारे पर विश्वास रखते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होने वाली है, इससे फ़ायदे ही हैं, ठीक है। तो इससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये बराबर आपको काम नहीं करना है, कभी कभी काम करना है, 8-10 किलोमीटर चलने के बाद आपको काम करना है। हाँ, आपकी बाइक अगर बजाज की बाइक है, TVS की बाइक है तभी करें, हीरो की होंडा की बाइक में ये करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उस बाइक में ये दिक्कत नहीं होती है। हाँ, लेकिन जिस बाइक में टंकी गलने की समस्या, ज़्यादातर टंकी लीकेज होता है, जैसे कि हीरो की HF डिलक्स बाइक हो गई या फिर जो भी बाइक है जिसमें भी टंकी लीकेज होता है, तो उसमें आप ये काम कर सकते हैं, टंकी की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी।